I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, लगभग 2.5 महीने पहले मैं मालदीव गया था एक ट्रिप पे अपनी वाइफ और अपने 5 महीने के बच्चे के साथ में, जो कि अब 7 महीने का हो चुका है। तो वहाँ मैं गया था और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने वहाँ पर। और 4 व्लॉग्स मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं वहाँ के, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। तो ये जो व्लॉग्स मैंने डाले थे, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वहाँ के लिए, जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप लोगों को दूंगा, जैसे कि वहाँ की फ्लाइट्स वगैरह जाने के लिए जो होती हैं, होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ के जो होते हैं उनके बारे में डिटेल्स दूंगा मैं आपको, और डे एक्सकर्शन, रिजॉर्ट ट्रिप वगैरह, मतलब जो भी आपके मन में आता है मालदीव से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो हम लोग ने फ्लाइट बुकिंग कराई थी वो गोवा इबीबो के थ्रू कराई थी, और ये इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी। इसका जो हम लोग को टोटल प्राइस पड़ा था वो था 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये दे के हम 3 लोग गए थे, यानी कि मैं, मेरी वाइफ और जो 5 महीने का हमारा बच्चा है वो हमारे साथ में गया था। तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि इन्फेंट अगर आपके साथ जा रहा है तो उसका कोई अलग से टिकट नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है, उसका भी हल्का फुल्का टिकट का प्राइस आपको लग जाता है। और बाकी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, ये हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, यानी कि कोची के थ्रू जा रही थी। कोची में हमारा 4 घंटे का लेओवर था, उसके बाद ही हम लोग को माले लेकर गई। लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छी थी कि जो हमारा PNR नंबर था वो सेम था। तो दोस्तों, अगर आपका PNR नंबर सेम होता है आपके बोर्डिंग पास पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चेक इन बैगेज है वो आप ओरिजिन एयरपोर्ट पर चेक इन कर सकते हैं और आपको डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना चेक इन किया था बैगेज, वो डायरेक्ट हम लोगों को माले एयरपोर्ट पर मिल गया था। अगर आपके जो बोर्डिंग पास है उस पर अलग अलग PNR नंबर आपको दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको अलग अलग चेक इन करना पड़ेगा। यानी कि आप दिल्ली में चेक इन करेंगे और उसके बाद आपको जो अपना बैगेज है वो कोची में जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वापस आपको कोची में चेक इन करना पड़ेगा और फिर से आपको माले में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 बार चेक इन करना पड़ जाता है इसमें। और जब आप बुकिंग करा रहे होते हैं तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो मल्टी चेक इन का उसमें ऑप्शन रहता है, अगर आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इस तरह आपको 2 बार चेक इन करना पड़ता है उसमें। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप बुकिंग करा रहे हैं अपनी, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, कोई भी फ्लाइट की बुकिंग्स आप करा रहे हो, तो आप हमेशा आप इनकॉग्निटो मोड में आप पहले फ्लाइट के रेट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करके बुकिंग कराइएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आपको रेट्स वगैरह जो है आप काफ़ी बढ़े हुए मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मली चेक करते हैं तो, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में है वो रेट्स आपके वही नजर आएंगे आपको जो होते हैं एक्चुअल में। तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद और काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये लगा कि वहाँ का जो सबसे पॉपुलर आइलैंड है, जो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, वो है माफुशी। और इसीलिए हम लोगों ने माफुशी आइलैंड पे अपना होटल बुक किया, और जिस होटल में हम लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी वो था कानी बीच होटल। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि लकीली जो है हम लोग को अपग्रेड करके दूसरा होटल दे दिया गया, यानी कि कानी बीच होटल के बगल में एक है कानी ग्रैंड होटल, वो हम लोगों को अपग्रेड करके दे दिया गया था। क्योंकि कानी बीच होटल में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था शायद, इसलिए हम लोगों को ये कानी ग्रैंड में दे दिया गया था। तो ये जो होटल बुकिंग्स हमने कराई थी, इसका प्राइस हम लोगों को पड़ा था 4,500 रुपये पर नाइट का। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। तो अगर आप भी चाहें तो आप कानी बीच होटल में बुक करा सकते हैं, लगभग वही 4-4.5 हज़ार के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा और बेटर है तो आप कानी ग्रैंड होटल में बुक करा सकते हैं, और थोड़ा सा और बेटर है तो आप अरीना बीच होटल में भी बुक करा सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इन दोनों होटल्स को कोई प्रमोट कर रहा हूँ, आप किसी भी होटल में रुक सकते हैं। माफुशी आइलैंड कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, ये शुरू होते ही एकदम खत्म हो जाता है, तो आप 10 मिनट भी कहीं भी चलेंगे पैदल तो आप बिकनी बीच के आसपास में पहुंच सकते हैं, इतना बड़ा ये आइलैंड है। तो आप किसी भी होटल में रुक सकते हैं, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्रीन टैक्स करके एक होता है जो हर होटल चार्ज करता है, वो आप चेक कर लीजिएगा कि कितना है। तो हम लोगों के केस में जो था ये $3 पर नाइट पर पर्सन था, यानी कि $6 पर नाइट का हम लोग को चार्ज पड़ रहा था ये ग्रीन टैक्स का, यानी कि 4 दिन का $24 हम लोग से लिया गया था ये। तो मैं कहूंगा आप कभी भी होटल बुक कराएं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ग्रीन टैक्स और बाकी कोई और टैक्स उसमें इंक्लूड है कि नहीं है, तो वो अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बुकिंग कराइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके होटल के चार्जेस वगैरह काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो है अलग से ग्रीन टैक्स या फिर और कोई टैक्सेस वगैरह इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वो आपको बाद में देने पड़ सकते हैं फिर।
तो मालदीव जो है बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड से बनी हुई एक कंट्री है। अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं। एक है कि आप पब्लिक फेरी यूज़ करें जो कि बहुत सस्ती है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, और दूसरा ऑप्शन है स्पीड बोट आप यूज़ करें जो कि बहुत महंगी है लेकिन बहुत जल्दी आपको कहीं भी पहुँचा देगी, तो उसमें आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ एयरपोर्ट ट्रांसफर्स की, यानी कि अगर आपको एयरपोर्ट से माफूशी जाना है या फिर माफूशी से आपको एयरपोर्ट आना है या फिर किसी भी आइलैंड पे आपको जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि आप स्पीड बोट या फेरी दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जो अगर आप एयरपोर्ट से माफूशी जाते हैं तो आपको $20 देने पड़ेंगे अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं। एक शेयरिंग स्पीड बोट होती है, इसमें कई सारे लोग और रहते हैं। अगर आपको फेरी से जाना है तो आपको सिर्फ $2 देने पड़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा अंतर है लेकिन आपको स्केड्यूल उनका समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं ये ट्रिप। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने होटल में पहले एक बार बात कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, वहां से आप स्केड्यूल पूछ सकते हैं कि इन दोनों का स्केड्यूल क्या है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बाकी कई सारी वेबसाइट्स हैं तो मैं कहूंगा कि आप उन वेबसाइट को रेफर करने के बजाय आप डायरेक्ट होटल से एक बार संपर्क करें, वहां से आपको सही इन्फॉर्मेशन जरूर मिल पाएगी। तो एक बार आपकी अपने होटल में बात हो जाए तो आप उनसे शेड्यूल पूरा समझ लीजिएगा और उन्हीं से आप बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वैसे डायरेक्ट भी वहां पर जाते हैं एयरपोर्ट पर और अगर आप बुकिंग आते हैं तो भी आपको $20 देने पड़ेंगे, और होटल के थ्रू आप कराएंगे तो भी आपको $20 देने ही पड़ेंगे वहां पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वहां पे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे और तब कराने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि उनका पर्टिकुलर शेड्यूल है, उसी हिसाब से वो चलती हैं सारी जो स्पीड बोट्स होती हैं। हमारे केस में कैसा हुआ था कि हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे लेकिन लकीली हम लोगों को जो है तभी एक स्पीड बोट मिल गई थी। हम लोग अगर एक घंटा भी लेट होते तो स्पीड बोट नहीं मिल पाती, और पता नहीं फिर मतलब कितने घंटे बाद दूसरी स्पीड बोट हम लोगों को मिलती, तो काफी घंटे हमारे वहां पे वेस्ट हो सकते थे। तो अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे आपको एक अराइवल कार्ड भरना होगा, उस अराइवल कार्ड को भर के आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जमा करना होगा, और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जैसे कि आपका जो है फ्लाइट के बुकिंग्स वगैरह होते हैं, जो रिटर्न फ्लाइट के आपके बुकिंग्स हैं वो मांगे जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे मांगे जा सकते हैं आपके होटल बुकिंग्स, जितने भी दिन आप वहां रहने वाले हैं उन सभी दिनों के आपसे होटल बुकिंग्स मांगे जा सकते हैं। तो हमारे केस में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे नहीं गए थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपको कि ये सब चीज़ें आप अपने साथ में रखिएगा क्योंकि ये किसी से भी मांगे जा सकते हैं। तो मालदीव की जो लोकल करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ जो लोकल करेंसी है उससे ज़्यादा वहाँ पे डॉलर चलते हैं। आप कहीं भी वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ पे आप US डॉलर दे सकते हैं, या कोई आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो या कहीं भी आप डे एक्सकर्शन पे जा रहे हो, कहीं भी आप जाएँ तो आप US डॉलर में पे कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से $700 लेकर गए थे, तो आप किसी भी लोकल एक्सचेंजर के पास अपने जा सकते हैं और वहाँ से जो है US डॉलर्स ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कभी भी आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत कराइएगा। एयरपोर्ट से अगर आप कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे वो डॉलर जो हैं। तो जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, आप करेंसी एक्सचेंजर्स नियर मी आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे वहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट जो रेट दे रहा होगा उससे आप अपने US डॉलर्स ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है 4 महीने होते हैं, जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में यहाँ पे मॉनसून रहता है। जून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, और लगभग सितंबर में ये मॉनसून खत्म होने वाला होता है। हम लोग भी सितंबर एंड में गए थे जब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, तो थोड़ी बहुत बारिश उस टाइम भी हुई थी वहाँ पे। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर एल्डरली लोग हैं तो आप इन जो महीनों को है बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और आपको पूरे टाइम छाते में घूमना पड़ सकता है। और इन सीज़न में एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी बंद हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है सर्विसेज, तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है क्रेज़ है। तो वाटर स्पोर्ट्स अगर बंद हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा ट्रिप का। तो ये जो मालदीव की ट्रिप थी ये हम लोगों ने ऐसे कोई टूर ऑपरेटर या कोई वेबसाइट के थ्रू ऐसे नहीं बनाई थी, हम लोग ने ये खुद ही प्लान करी थी, खुद ही आइटनरी बनाई थी हम लोगों ने अपनी। और हमारे साथ में यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था और उसकी वाइफ और उसका एक 2 साल का बच्चा, वो भी हमारे साथ में थे जिन्होंने हम लोग को कोची से ज्वाइन किया था। तो हम लोग साथ में थे, इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी जगहों पर जो है अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था, जैसे कि हम लोग के डे टूर्स वगैरह थे जो रिजॉर्ट टूर थे वहाँ पर हम लोग को अच्छा डिस्काउंट मिल गया था मतलब। तो मैं आपको अपनी आइटनरी बता देता हूँ कि हम लोग ने वहाँ पर क्या क्या किया। तो डे 1 पे जो है हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि कोची में हमारा जो है 4 घंटे का लेओवर था ऑलरेडी, और रात को जो है हम लोग को पूरा वहाँ पे स्टे करना पड़ा। हम लोग की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी माले के लिए, तो हम लोग वहाँ पहुँचे अर्ली मॉर्निंग, 6-7 बज गए थे हम लोग वहाँ पहुँचते हुए, और उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल में थोड़ा वहाँ टाइम लगा, हम लोग सो गए थे काफ़ी देर के लिए, वहाँ आराम किया हम लोगों ने, 5-6 घंटे हम लोग आराम से सोए। उसके बाद हम लोग शाम को वहाँ थोड़ा बहुत घूमे, बिकनी बीच वगैरह हम लोग ने देखी, आसपास के सुपर मार्केट्स हम लोग गए। तो ये हम लोग ने पहले दिन किया, बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो डे 2 का मैं बता देता हूँ, हम लोग ने एक रिजॉर्ट का डे टूर किया था।
जो कि अदारन प्रेस्टीज वादू नाम का एक 5-स्टार प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ हम लोग गए थे। उसका हम लोगों ने $120 पर पर्सन पे किया था, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, हम लोग थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था उसमें, तो ये $120 पर पर्सन पड़ा था। और इसमें हमारा जो है टू एंड फ्रो ट्रांसफर्स इंक्लूडेड थे, हमारा जो है अनलिमिटेड अल्कोहल बेवरेजेस जो है सब कुछ इंक्लूडेड था, हमारा 9 से 5 बजे तक का जो है शाम तक का, और हमारा इसमें बुफे लंच भी इंक्लूडेड था, और शाम को फिश फीडिंग भी कराते हैं वो लोग, वो भी था हमारा उसमें। तो ये सारी चीज़ जो है रिजॉर्ट में नॉर्मली इंक्लूडेड होती हैं, आप कोई भी रिजॉर्ट के टूर कर सकते हैं। वहाँ पे जो है $80 का भी आपको मिल जाएगा, आपको $200 तक का भी मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कौन सा रिजॉर्ट का डे टूर करना चाहते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रेट लिस्ट भी दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स की रेट लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी रिजॉर्ट जो है चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो है पहले से कोई भी बुकिंग मत कराइएगा इनकी, आप वहीं जाइए, वहाँ जाके आप आराम से बुकिंग कराइए, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहले से पे कर देंगे या पहले से बुकिंग करा लेंगे तो आपके पास वो बार्गेन का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो जो तीसरा दिन था उस दिन हम लोगों ने एक पैकेज लिया था जो कि 3 पॉइंट स्नॉकलिंग और सैंडमैन टूर का था, तो इसका प्राइस हम लोगों को पड़ा था $110 का। तो $110 जो है ये 4 लोगों का है, तो मतलब कि कपल के लिए ये $55 आप लोगों को पड़ जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये जो हम लोग ग्रुप में थे इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। स्टार्टिंग में जो उन्होंने प्राइस जो कोट किया था वो था $35 पर पर्सन के हिसाब से, तो आप ग्रुप में रहेंगे थोड़ा बहुत तो आपको इसकी वजह से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो हमारा पैकेज था इसमें हमारा टू एंड फ्रो ट्रांसफर्स भी इंक्लूडेड थे, और साथ में हमारा बूफे लंच भी इंक्लूडेड था, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 पॉइंट स्नॉकलिंग है इसमें आपको 3 अलग अलग पॉइंट पे लोग स्नॉकलिंग के लिए ले जाएंगे। इनमें से 2 तो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फिशेज आपको देखने को मिलेंगी, और 1 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको टर्टल्स वगैरह काफ़ी सारे एक साथ देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े टर्टल्स होते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है वो। और बीच में आप रास्ते में जाते रहेंगे आपको बहुत सारी डॉल्फिन्स भी आपको उछलते हुए दिखेंगे इधर उधर, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो मेरे को लगता है ये ठीक है, $110 काफ़ी सही है 4 लोगों के हिसाब से ये पैकेज। तो डे 4 जो था हम लोग ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए रखा हुआ था, उस दिन हम लोग ने वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय किए, और वाटर स्पोर्ट्स करने से पहले हम लोग एक लोकल बीच पे घूमे थे, बहुत ही सुंदर वो जो है लोकल बीच है। अगर आप माफूशी में जाते हैं तो उस बीच पे जरूर जाइएगा, वहाँ पे फोटोग्राफ्स जो है ना बहुत ही सुंदर आते हैं। तो जो वाटर स्पोर्ट्स हम लोग ने किए थे वो थे फन ट्यूब, कयाकिंग और जेट स्की। तो इसका हम लोगों ने पैकेज लिया था जो हम लोगों को $100 का पड़ा था। तो $100 में हम 4 लोगों ने इंजॉय किया पूरा वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि $25 पर पर्सन हम लोगों को ये लगे यहाँ पे। तो ये 3 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने की थी, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो पैरासेलिंग के लिए हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि $80 पर पर्सन के हिसाब से हम लोग को पड़ता अगर हम लोग पैरासेलिंग भी अपने पैकेज में इंक्लूड करवाते। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, तो क्योंकि गोवा में और बाकी थाईलैंड में भी मैंने ये किया है और काफ़ी सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो चार्ज कर रहे थे, तो इसलिए वो हम लोगों ने छोड़ दिया। और इसके अलावा भी और कई सारी जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय करी। इसके अलावा भी यहाँ पे और सारे टूर्स कराए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डे टूर्स होते हैं बहुत सारे आइलैंड्स के, वहाँ पे आप जाके घूम के आ सकते हैं, और बाकी कैंडल लाइट डिनर्स हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं, और स्नॉकलिंग के भी बहुत और पैकेजेस हैं थोड़े एक्सपेंसिव वाले वो आप ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग पैकेजेस दिखेंगे। जैसे आप होटल में पहुँचेंगे तो आपको वो लोग अपना जो है पूरा ब्राउचर टाइप का रहता है वो लेके दिखाएंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो अपने आप ही वहाँ पे आपको बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं पैकेजेस के बारे में, और अपने हिसाब से आप जो है अपने रेट्स फिक्स करवा सकते हैं उनसे। तो मालदीव का जो खाना है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है यहाँ से, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हर चीज़ में जो है आपको टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा अंतर लगेगा। मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि आपको टेस्ट को वो भाएगा नहीं भाएगा इसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे जो है वहाँ का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो वेज खाती हैं सिर्फ, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई वहाँ पे। जो वहाँ पे वेज मिलता भी है उसका टेस्ट जो है बिल्कुल वैसा आ नहीं पाता जैसे हम लोग इंडिया में खाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि माफूशी आइलैंड पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है स्टिंगरे कैफे, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको काफ़ी इंडिया से मिलता जुलता वहाँ पे खाना मिल जाएगा, और काफ़ी सारे जो सब्जियाँ हैं अपनी वो सब मिल जाएंगी। आप ये मेन्यू भी देख सकते हैं, तो इस मेन्यू से आप रेफर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं इजीली। और बाकी कई सारे वहाँ रेस्टोरेंट्स में आप जाएंगे तो आपको जो है चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन टेस्ट जो है वहाँ इंडिया जैसा नहीं आ पाएगा उसमें। तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है मुझे सबसे ज़्यादा क्लोज लगा इंडियन टेस्ट से, अगर आपको मन है वेज खाने का तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप अपना होटल बुक करेंगे उसमें जो है अपना ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में ले लीजिएगा, अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपको अगर बाहर खाना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। जो माफूशी आइलैंड या फिर मालदीव में कहीं भी आप खाएंगे तो जो खाने का चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और डिनर जो है अपने साथ में वहाँ पे पैकेज में ले लीजिएगा,
और जो लंच है वो आप बाहर कर सकते हैं, थोड़ा तो एक्सपेंसिव वो पड़ता है, लेकिन जो है आप लंच तो एटलीस्ट बाहर कर सकते हैं, और कुछ नया भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह और ये सब चीज़ें तो बहुत इजीली मिल जाती हैं, और बाकी वेज खाना ही आपको खाना है तो वहाँ से आप खा सकते हैं, जो मैंने आपको सिंगरे कैफ़े बताया। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको वहाँ का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप अपने इंडिया से जो है रेडी टू कुक आइटम्स वगैरह लेके जा सकते हैं, जैसे मैगी वगैरह हो गया या कोई सब्ज़ी वगैरह, पराठे वगैरह, ये सब आप पैक्ड फूड लेके जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो अपने होटल है वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग उसको बना के आपको दे देंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आपको वहाँ का खाना नहीं खाना है तो। बाकी वहाँ सुपर मार्केट्स वगैरह हैं, वहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, और भी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं सुपर मार्केट्स में खाने पीने की, वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आप जितने दिन वहाँ रहेंगे आपके होटल में आपको जो है आधा लीटर की एक बॉटल पर पर्सन के हिसाब से वो लोग दे देते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा बॉटल परचेज करनी है वहाँ पे तो वो लोग जो है आधा लीटर की बोतल का $1 चार्ज करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी वॉक करके जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे सुपर मार्केट्स मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 1.5 लीटर की बोतल $1 में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो आप वाटर बॉटल है अपनी जो डेली की वो कंज्यूम कर लेते हैं अगर, तो आप बाकी की जो बॉटल्स हैं वो जो है सुपर मार्केट से जाकर ले लें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सस्ता पड़ेगा आपको। तो मालदीव्स के जितने भी पब्लिक आइलैंड्स हैं वहाँ पे अल्कोहल पूरी तरीके से बैंड है, वहाँ पे आप अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों चाहे कोई होटल्स हों, आपको कहीं भी अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है अगर आपको मालदीव्स में ड्रिंक करना है तो पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग बार्स, जो कि आपको वहाँ माफुशी आइलैंड के आसपास बहुत सारे फ्लोटिंग बार्स मिल जाएंगे, लगभग 4-5 वहाँ फ्लोटिंग बार्स हैं। तो ये जितने भी फ्लोटिंग बार्स हैं यहाँ पे, ये शाम को ये अच्छे से स्टार्ट होते हैं, और अगर आपको थोड़ा इन्जॉय करना है तो आप थोड़ा रात में जाइए, यहाँ पे लगभग 9-10 बजे के करीब यहाँ पे अच्छा खासा एटमोसफेयर होता है, यहाँ पे आप 1-2 घंटा यहाँ पे स्पेंड करके आ जाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ जाइए, उतना यहाँ पे काफ़ी है। तो स्पीड बोट से आप वहाँ पे जा सकते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लगता, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 2 मिनट वहाँ पे लगेंगे मुश्किल से आपको, 2-4 मिनट वहाँ पहुँचने के लिए, और आप वहाँ पे फ्री में पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको बियर की एक पाइंट वहां पे लेनी है तो आपको $10 देना पड़ जाएगा, और अगर आपको विस्की का यानी कि ब्लैक लेबल वहां पे थी उसका अगर आपको एक पैग लेना है तो आपको $10 देना पड़ जाएगा इसका भी। तो मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगा ये अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन वहां पे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ रिजॉर्ट का, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो रिजॉर्ट आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप डे टूर करिए, रिजॉर्ट में जाइए वहां घूम फिर कर आइए, और सुबह से शाम तक जो है आप लिकर जितना भी आप कंज्यूम करना हो कर सकते हैं, फिर भी मैं कहूंगा आप थोड़ा कंट्रोल में वहां पे करिएगा, बहुत ज्यादा करना भी सही नहीं है, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं किसी में तो। लेकिन ये दो ऑप्शन आपके पास हैं तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर हम माफुशी आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मार्केट एरिया नहीं है, मेनली यहाँ पे जो सुपर मार्केट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिख जाएंगे, और बाकी सोवेनियर शॉप्स बहुत सारी हैं, अगर 2-2 मिनट के डिस्टेंस पे आपको जो है काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको कुछ लेना है सोवेनियर्स वगैरह अपने घर वालों के लिए अपने दोस्तों के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं यहाँ पे, तो आप अच्छा खासा उसमें बार्गेन कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग उसे $100 की कोई चीज़ बताई गई थी हम लोगों को, वो हम लोगों ने लगभग $40 में ले ली थी, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा अच्छा खासा बार्गेन यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरे मालदीव में मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी लगी, आप वहाँ पे कहीं भी जाएंगे या कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप रिजॉर्ट में जा रहे हो या फिर आप कोई लोकल शॉप में जा रहे हो, तो हर जगह आपको वाईफाई नेटवर्क वहाँ मिल जाएगा जो कि फ्री वाईफाई रहता है, और इसी वजह से मैंने वहाँ पे कोई भी सिम कार्ड नहीं खरीदा, सिम कार्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आप ये रेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने महंगे वहाँ पे सिम कार्ड हैं। तो 2-4 दिन के लिए हम लोग को जाना है वहाँ पे, इसके लिए मैं सोचता हूँ सिम कार्ड लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे हर जगह वाईफाई नेटवर्क्स मिल जाएंगे जो फ्री हैं, तो आप इजीली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपका इंटरनेट रिलेटेड वर्क है आप सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। तो मालदीव में जो रहने वाले लोग हैं वो मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल और एकदम से सिंपल से लगे, और वहाँ पे मोस्टली जो है या तो आपको मालदीवियन लोग मिलेंगे या बांग्लादेश के और श्रीलंका के लोग, तो जो बाहर से लोग काम करने आते हैं वहाँ मोस्टली बांग्लादेश के लोग आपको दिख जाएंगे, और थोड़े बहुत लोग श्रीलंका के भी वहाँ पे हैं, कुछ थोड़े बहुत मेरे को इंडिया से भी लोग दिखे वहाँ पे, लेकिन बहुत ही कम है इंडिया से, मोस्टली वहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग बसे हुए हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको अपनी पूरी ट्रिप का जो है एक्सपेंसिस का एक ब्रेकअप दे देता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना स्पेंड किया, ऑल्दो मैंने आपको शुरू से बताते चला हूँ मैं कि कितना मैंने कहाँ स्पेंड किया, लेकिन एक जगह मैं पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कितना कितना मैंने कहाँ पे खर्च किया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना जो है एक्सपेंडिचर हो सकता है वहाँ पे और कहाँ कहाँ आप सेव कर सकते हैं या फिर कहाँ पे आप अपना कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आप अपना पूरा एक आइटिनरी बना सकते हैं और अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका खर्चा होने वाला है वहाँ पे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।